बच्चों, सुभाषितानी का आगे का श्लोक पढ़ेंगे। मौनम काल विलंबश्च प्रयाण भूमि दर्शनम भ्रिकुटी अन्य मुखी वार्ता न कारा षड विध स्मृत। मौन मतलब चुप रहना, काल विलंबश्च मने समय अधिक लगाना, देर तक रोकना, प्रयाण मतलब चले जाना, भूमि दर्शनम मने भूमि की ओर देखने लगना, भ्रिकुटी अन्य मुखी मैंने भवें चढ़ा लेना, भ्रिकुटी अन्य मुखी, भ्रिकुटी धन अन्य मुखी यण संधि है, दूसरी ओर मुख करके बात करने लगना, न कारा षड विधा स्मृता मैंने मना करने के ये छह प्रकार बताए गए हैं। मैंने किसी ने आपसे कुछ कहा आपको नहीं करना है तो सीधे सीधे ना कह करके कि हम नहीं करेंगे, उसकी बात का जवाब ही नहीं देंगे, मौन रह जाएंगे। काल विलंबश मैंने बहुत अधिक समय लगा देंगे तो वो अपने आप हट जाएगा, आपसे कहेगा नहीं। प्रयाण मैंने आप उस स्थान से चले जाएंगे तो समझ जाएगा कि इसे नहीं करना है। भूमि दर्शनम आप जमीन की ओर देखने लग जाएंगे तो भी वो समझ जाएगा कि नहीं करेंगे। भवें तान लेंगे तो भी वो समझ जाएगा कि आप नहीं करेंगे। और दूसरी ओर मुख करके बात करने लग जाएंगे तो भी कहने वाला समझ जाएगा कि ये इसे कार्य नहीं करना है। ये नकार षड विधा स्मृता। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्य परोक्षे मित्र बांधवा मने गुरु की, गुरुजनों की, माता पिता की, श्रेष्ठ अपने से बड़े लोगों की प्रशंसा उसके सामने करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा मने मित्र की और भाई बंधु की प्रशंसा उसके न रहने पर, उसकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश सेवक सेविकाओं की, नौकरों की प्रशंसा उनके कार्य करने के बाद करनी चाहिए, कर्म के अंत में करनी चाहिए। पुत्राह नैव च नैव च, और पुत्र की प्रशंसा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। माने पुत्र में जरूर कोई ना कोई दोष दिखाते रहना चाहिए जिससे कि वो बाद में बिल्कुल संपूर्ण हो जाए, उसके अंदर कोई दोष रह ही ना जाए। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, रुष्टा क्षणे क्षणे, अन्य अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकर। मने एक क्षण में, थोड़ी देर में संतुष्ट रहने वाले, खुश हो जाने वाले, थोड़ी देर में नाराज हो जाने वाले, अप्रसन्न हो जाने वाले, रुष्टा तुष्टा, रुष्टा क्षणे क्षणे मने जो क्षण में संतुष्ट और क्षण में असंतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों की कृपा प्रसाद मने कृपा, कृपा भी भयंकर होती है। मतलब ऐसे लोगों से बहुत किसी चीज़ तरह का दान नहीं लेना चाहिए, उनकी कृपा भी नहीं लेनी चाहिए, जो थोड़ी थोड़ी देर में प्रसन्न और अप्रसन्न होते रहते हैं।